सुदूर तेंदुआ, जिसे सुदूर पूर्वी तेंदुआ भी कहा जाता है, तेंदुए की एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय उपप्रजाति है जो केवल रूस के सुदूर पूर्व के एक छोटे से क्षेत्र में पाई जाती है। अमूर तेंदुआ दुनिया में सबसे लुप्तप्राय बड़ी बिल्लियों में से एक है, जिसके बारे में माना जाता है कि 100 से कम को जंगल में छोड़ दिया गया है। अमूर तेंदुआ एक एकांत और मायावी जानवर है जो अपनी अनुकूलन क्षमता और मायावी प्रकृति के लिए जाना जाता है। इसमें फर का मोटा कोट होता है जो इसे रूसी सुदूर पूर्व की ठंडी जलवायु में जीवित रहने में मदद करता है, जहां सर्दियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तेंदुए का कोट आम तौर पर काले धब्बों के साथ हल्के रंग का होता है। जहां वह रहता है वहां के जंगली आवास में छलावरण प्रदान करता है। अमूर तेंदुए का निवास स्थान रूसी सुदूर पूर्व के वन है, जिनमें शंकुधारी और मिश्रित पर्णपाती वनों का प्रभुत्व है। तेंदुए के आहार में हिरण, जंगली सुअर और अन्य छोटे स्तनधारी, साथ ही पक्षी और मछली शामिल हैं। तेंदुआ एक मांसाहारी है, जिसके तेज दांत और मजबूत जबड़े हैं जो इसे शिकार करने और अपने शिकार को मारने की अनुमति देते हैं। अमूर तेंदुआ एक गुप्त जानवर है, जिसका अर्थ है कि वन्य में इसका निरीक्षण करना मुश्किल है। यह आंशिक रूप से इसकी मायावी प्रकृति के कारण है, लेकिन इस तथ्य के कारण भी है कि यह अक्सर रात में सक्रिय होता है और उन क्षेत्रों में जो मनुष्यों के लिए उपयोग करना मुश्किल होता है। इसके बावजूद शोधकर्ता विभिन्न तरीकों से तेंदुए के व्यवहार और पारिस्थितिकी का अध्ययन करने में सफल रहे हैं। अमूर तेंदुए का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक कैमरा ट्रैप है, जो गतिस्क्रिय कैमरे हैं जो जानवरों के पास से गुजरते हुए उनकी तस्वीरें लेते हैं। इन कैमरों ने शोधकर्ताओं को जानवर या उसके आवास को परेशान किए बिना तेंदुए के व्यवहार और पारिस्थितिकी का अध्ययन करने की अनुमति दी है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि अमूर तेंदुआ एक प्रादेशिक जानवर है जो 30 से 60 वर्ग किलोमीटर की सीमा में रहते हैं। वे अपने क्षेत्र को मूत्र और मल के साथ चिह्नित करते हैं और अन्य तेंदुओं से इसकी रक्षा करेंगे। तेंदुआ भी एक एकांत जानवर है, जिसमें नर और मादा केवल सहवास के लिए एक साथ आते हैं। अमूर तेंदुए का प्रजनन काल सर्दियों में होता है, आमतौर पर वसंत ऋतु में शावक पैदा होते हैं। मादा 2 से 3 शावकों को जन्म देती हैं, जिन्हें मां द्वारा तब तक पाला जाता है जब तक कि वे अपने आप शिकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो जाते। अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए जाने से पहले 2 साल तक शावक अपनी माँ के साथ रहते हैं। अमूर तेंदुए के अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक निवास स्थान का नुकसान और विखंडन है। रूसी सुदूर पूर्व के जंगलों में भारी मात्रा में लॉगिंग की गई है, जिसने तेंदुए के आवास को कम कर दिया है और इसे छोटे अलग थलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। इससे तेंदुओं के लिए पैच के बीच घूमना और साथी ढूंढना अधिक कठिन हो जाता है, जिससे आनुवंशिक विविधता कम हो सकती है और अंततः विलुप्त हो सकती है। अमूर तेंदुए के लिए एक और बड़ा खतरा अवैध शिकार है। तेंदुए के फर और हड्डियों का काला बाजार में अत्यधिक मूल्य है और जानवर का अक्सर उसके शरीर के अंगों के लिए शिकार किया जाता है। अवैध शिकार ने अमूर तेंदुए की आबादी को काफी कम कर दिया है और तेंदुए के निवास स्थान के दूरस्थ स्थान के कारण इसे रोकने के प्रयास कठिन हो गए हैं। अमूर तेंदुए के संरक्षण प्रयासों ने इसके निवास स्थान की रक्षा करने, अवैध शिकार रोकने और जनसंख्या की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया है। हाल के वर्षों में रूसी सरकार ने तेंदुए की सीमा में कई संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की है, जिसमें लैंड ऑफ द लेपर्ड नेशनल पार्क भी शामिल है जो 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है। संरक्षणवादियों ने अवैध शिकार को कम करने और आवास प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों के साथ भी काम किया है। इसमें स्थायी वानिकी और शिकार प्रथाओं को बढ़ावा देने के कार्यक्रम शामिल हैं, साथ ही मानव तेंदुए के संघर्ष को कम करने की पहल भी शामिल है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल मूड हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।